Good morning, students. I hope you all are doing well. Welcome back to the online class of computer. Today, we will do revision part 2 of chapter 4 advanced gym tools. So, the topics that we are going to cover today are docking to create a dock, using paths to create a path, transforming paths to transform paths, using brushes to use a brush to edit a brush. Let's start. First topic is डॉकिंग नाउ वट इज डॉकिंग Different डायलॉग boxes can be grouped together using डॉक्स हम डॉक्स को यूज करके different डायलॉग boxes को ग्रुप कर देते हैं एक साथ That is called docking. Next, to create a डॉक डॉक को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं हम कर्सर को प्लेस करते हैं टैब के ऊपर डायलॉग बॉक्स के जिसे हमें डॉक करना है फिर हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं देन हम ड्रैग कर देते हैं डायलॉग बॉक्स को उसके टैब से बट नॉट बाय इट्स टाइटल बार उसके टाइटल बार से नहीं उसे ड्रैग करते उसके टैब से उसे ड्रैग करके डिजायर्ड विंडो पे ले जाते हैं देन हम डायलॉग बॉक्स को विंडो में प्लेस कर देते हैं और जो टैब होता है वो विंडो में अपीयर करता है आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट वी हैव यूजिंग पाथ्स जब हम पाथ क्रिएट करते हैं तो कर्व्स क्रिएट होते हैं और उन कर्व्स को हम बोलते हैं curves. हम create करते हैं और उन्हें convert कर देते हैं 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 और और कर देते में भी भी हो हो सकते सकते जो क्लोज पार्ट होते हैं वही सिलेक्शन में ट्रांसफॉर्म होते हैं और बाकी बोथ ओपन एंड क्लोज दोनों पार्ट्स को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पेंट स्ट्रोक्स में आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट क्रिएटिंग पार्ट्स पार्थ क्रिएट कैसे होते हैं पार्थ को हम इमेज की शेप के अलोंग क्रिएट कर सकते हैं जैसी शेप होगी उसके आउटर पे हम वैसे ही पार्टस क्रिएट कर देंगे यू कैन यूज बोथ स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस टू ड्रॉ पार्ट्स पार्थ ड्रॉ करने के लिए हम स्ट्रेट एंड करव लाइंस दोनों यूज कर सकते हैं आई होप दिस इज क्लियर उट दिक्चर ऑफ ओपन एंड क्लोज पाथ यू कैन सी है सो दे आर क्लोज पार्थ आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट वीथाउट टू क्रिएट अ पाथ पाथ को हम क्रिएट कैसे करते हैं हम इमेज विंडो पे जाएंगे टूल्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे टूल्स मेन्यू अपियर करेगा पास ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे हमारे पॉइंटर को प्लेस करेंगे उस एरिया पे जहां से हमें बिगिन करना है देन हम स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और हमारा क्रिएट हो जाएगा, नेक्स्ट मूव पॉइंटर इन द राइट डायरेक्शन पॉइंटर को मूव कर देंगे राइट right डायरेक्शन में और कर देंगे क्लिक हमारा सेकंड पॉइंट क्रिएट हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे एक वन पाथ इज क्रिएटेड एक पाथ क्रिएट हो चुका है टू क्रिएट अ कर्व्ड पाथ कर्व्ड पाथ बनाने के लिए आपको क्लिक करना है सेंटर ऑफ द पाथ पे एंड उसे स्ट्रेच करना है आई होप दीज स्टेप्स आर क्लियर नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पिक्चर दिस इज द पिक्चर ऑफ वन पाथ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंडिंग ऑन दिस पॉइंट दिस इज कॉल्ड वन पाथ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कर्व्ड पाथ

You can transform paths into selection using the transform tools such as move, rotate and scale. आप paths को transform कर सकते हैं selection में और उसके लिए आप use करेंगे transform tools such as move, rotate and scale. Next we talk about to transform paths. कुछ steps हैं जो आपको follow करने हैं paths को transform करने के लिए. आप paths create करेंगे image पे. Then आप toolbox में जाएंगे. वहां से टूल्स ऑप्शन में जाएंगे देन अंडर पाथ्स आप क्लिक कर देंगे सिलेक्शन फ्रॉम पाथ बटन आपका पाथ सेलेक्ट हो जाएगा देन आप इमेज विंडो में जाएंगे वहां से टूल्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे और पॉइंट कर देंगे ट्रांसफॉर्म टूल्स पे नेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे जो भी टूल आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपने रोटेट पे क्लिक किया रोटेट का डायलॉग ओपन हो जाएगा अंडर एंगल सेक्शन आप स्लाइडर को ड्रैग करेंगे एंगल को चेंज करने के लिए देन आप क्लिक कर देंगे रोटेट बटन पे तो आपका सेलेक्टेड पार्ट जो होगा वो रोटेट हो जाएगा आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट वी सी द इमेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम पाथ का ऑप्शन मिलेगा यहाँ से आप क्रिएट करेंगे नेक्स्ट अंडर आप देख सकते हैं एंगल सेक्शन यहाँ पे ये स्लाइडर है यहां से आप एंगल चेंज करेंगे देन आप रोटेट पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी इमेज होगी वो उतनी रोटेट हो जाएगी आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यूजिंग ब्रशेस जिम के अंदर डिफरेंट वराइटीज ऑफ ब्रशेज हैं जिनकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं इमेजेस को एडिट कर सकते हैं पेंट टूल्स को यूज करके टोटल फोर्टीन पेंट टूल्स हैं सम ऑफ देम आर बकेट फिल पेंसिल पेंट ब्रश इरेजर एयर ब्रश एटसेट्रा सारे पेंट टूल्स एक्सेप्ट इंक टूल डिफरेंट ब्रशेस यूज करते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टू यूज अ ब्रश ब्रश को हम कैसे यूज करेंगे हम स्टेप्स देखेंगे हम इमेज विंडो पे जाएंगे वहां से विंडोज मेन्यू पे क्लिक करेंगे पॉइंट कर देंगे डॉकेबल डायलॉग्स पे क्लिक करेंगे ब्रशेस ऑप्शन पे तो ब्रशेस का डायलॉग ओपन होगा अगेन इमेज विंडो पे जाएंगे वहां से क्लिक करेंगे टूल्स मेन्यू टूल्स मेन्यू ओपन होगा हम कर देंगे पेंट टूल्स पे वहां से अपनी मर्जी का पेंट टूल्स सेलेक्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल इरेजर देन फ्रॉम ब्रशेज डायलॉग हम क्लिक कर देंगे डिजायर ब्रश पे फॉर एग्जाम्पल शेप्ड ब्रश प्लेस कर देंगे माउस पॉइंटर को इमेज के ऊपर क्लिक एंड होल्ड करेंगे लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग कर देंगे उसे इमेज के ऊपर सो द ब्रश इफेक्ट इज अप्लाइड जो ब्रश का इफेक्ट होगा वो उस अप्लाई हो जाएगा आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पेंट टूल्स सो दीज आर दराइटीज ऑफ पेंट टूल्स आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है पेंट टूल्स की टूल्स में जाएंगे यहां से पेंट टूल्स में जाएंगे एंड यू विल गेट दिस्ट ऑफ पेंट टूल्स आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टू एडिट अ ब्रश ब्रश को हम एडिट कैसे करेंगे राइट क्लिक करेंगे ब्रश पे एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा वहां से सेलेक्ट करेंगे एडिट ब्रश का ऑप्शन द ब्रश एडिटर डायलॉग ओपन होगा ब्रश को एडिट करने के लिए आप क्लिक एंड होल्ड करेंगे लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द पॉइंटर इन द रिक्वायर्ड फील्ड्स आप पॉइंटर को ड्रैग कर देंगे रिक्वायर्ड फील्ड्स पे आई होप दिस इज क्लियर This is the picture of brush editor dialog box. I hope today's topics are clear to everyone. Thank you. Stay safe and stay healthy.